जी मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि इस जर्नी के लिए मुझे बिफोर 3 मंथ पहले ही मुझे ये सब सेट करना पड़ा। मेरे बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए हैं जो मुझे मिसेज इंडिया INC के थ्रू मिले। मुझे स्किन ट्रीटमेंट से लेकर डेंटिस्ट, हेयर, एवरीथिंग, लाइक रैम्पॉक ट्रेनिंग, एवरीथिंग। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सारी जर्नी को पार करते हुए जब मिसेज इंडिया के मिसेज यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे जब जाना पड़ा, तो वहाँ पे ये 7 डेज का एक फंक्शन था। मतलब ओवरऑल ये सब कुछ वहाँ पे प्री प्लान किया हुआ था। फिर वहाँ पे हम लोग जब गए तो पहले दिन हम लोगों को मीट एंड ग्रेट हुआ, वेलकम डिनर था हम लोगों का फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे हम लोगों को सिटी टूर करवाया गया, रात में फिर हम लोगों को कराओके हुआ। उसके बाद में थर्ड डे हम लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर गए। फिर उसके बाद में शाम में ऐसे ही लाइक लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। उसके बाद में 4 डे हम लोगों का जो हुआ वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का एक फोरम था, जिसके ऊपर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर लोगों ने, अलग अलग कंट्री से लोगों ने वहाँ पे अपने अपने थॉट्स रखे हुए थे कि कैसे लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे उसे फाइट करना चाहिए, कैसे हमें आगे आना चाहिए। उसके बाद में नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड था और सबटाइटल अवार्डिंग था और उसके बाद था ग्रैंड फिनाले। तो ओवरऑल ये जो जर्नी थी, 106 कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग कंट्री के लोग जब अपने सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने वेल हैं, हम क्या कर सकते हैं। इतने सारे कंट्री के लोग जब हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, तो हमको हमारा लेवल पता चलता है। बिकॉज़ हर कंट्री अपने अपने इसमें बहुत बड़ा है और हर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर कोई अपने इसमें बेस्ट है। तो बस मुझे तो अपना बेस्ट देना था। मोहिनी मैम का साथ था, मेरे हस्बैंड का साथ था, मेरी फ्रेंड मेघा कपूर, शी इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, तो इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो जब आपके आसपास जब पूरा ऑरा होता है, जब आपको लगता है कि जब ऐसे लोग हैं तो जीत कर आना तो पॉसिबल था। तो बस मैं थर्ड रनर अप बनी और साथ में मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का भी अवार्ड विन किया और सब टाइटल में मिसेस ब्रिलियंस यूनिवर्स का भी अवार्ड मिला मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम 45 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन जो थर्ड रनर अप की पोजीशन पे आई है। तो वैसे ही हमने हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। थैंक यू। एक्चुअली मेरा एक बेटा है 7 ईयर का, तो एक्चुअली उसने ही मुझे इसके लिए बहुत ये किया है कि मम्मा, वो मतलब ऐसे लोगों को बोलता था कि मेरी मम्मा तो प्रिंसेस है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि बाजू की हमारी एक आंटी आई और वो मुझे देखने लगे, तो बोले कि आपका बेटा बोल रहा है कि मेरी मम्मा प्रिंसेस दिख रही है, आप चलो प्रिंसेस को देखने के लिए। तो वो आए, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा जब वो 2 साल का था कि हाँ वाकई आपकी मम्मा तो प्रिंसेस है। तो फिर उसे ऐसा लगा कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, मतलब आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट है कि उनको सब कुछ समझ में आता है। तो ये सेड कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, तो आप क्राउन पहनो। तो मैंने कहा बेटा क्राउन ऐसे नहीं पहना जाता है, क्राउन के लिए ना प्रॉपर एक स्टेप होती है कि आपको एक पेजेंट करना होता है, उसमें आपको क्राउनिंग किया जाता है, तो आपको उसकी वैल्यू तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो उसने मुझे बहुत ये किया, पोक किया, मम्मा आप जाओ आप करो। तो एक 2 साल का बच्चा जो अपनी मम्मी को इन सब चीज़ों के लिए इंस्पायर करता है, तो ऑब्वियसली कि आपको एक लगता है कि एक स्टेप पे कि हाँ हमने ये करना चाहिए। तो बस उसने मुझे पोक किया, मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, मेरी एक डॉटर भी है 3 साल की। तो ये मेरे बच्चों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। आज मेरी बेटी 3 साल की है बट वो मुझे बोलती है मेरी मम्मा आज मिसेस यूनिवर्स बन के आई है, मम्मा मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे अपनी माँ को देखकर जब सीखते हैं तो उनको कुछ लगता है कि हमें आगे कुछ करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मम्मा जैसे बनना चाहिए। तो मेरे बच्चों के साथ में ये जो भी जर्नी थी बहुत अच्छी थी। बच्चों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर घर में आपके सपोर्ट है तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। और साथ में पति का साथ होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका हस्बैंड आपका बैकबोन नहीं हो सकता तो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट पति का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, बहनों का सपोर्ट, इन सपोर्ट की वजह से ही शायद मैं ये खिताब जीत कर आ पाई हूँ। How is it possible?
सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू आप सभी समय निकाल के यहाँ पर आए। और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोली जाती है, उसके पीछे कारण होता है, वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। कोई इवेंट बोलो या कोई डेलीगेट बोलो या कोई टीम मेंबर बोलो, तो वो मेरा रोल है। और जहाँ तक बात इंटरनेशनल जाकर काम करने की है, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो मैंने मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई लंदन से ही की थी, तो इंटरनेशनल जाना मेरे लिए एक्सपोजर लेना ही है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होता। चैलेंज होता है कि वो कॉम्पिटिशन को एज ए इंडियन फेस करना, क्योंकि जैसे कि जोया ने कहा 106 कंट्रीज़ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती है, वहाँ पर हमें इंडिया का झंडा लहराना ही है, इंडिया को गर्व महसूस करवाना है। ऐसा एक भी गलती से कोई कदम नहीं उठाना जहाँ पर हमारी आंखें झुक जाए या फिर भारत का नाम वो हो जाए, ख़राब हो जाए। तो उसी जद्दोजहद में हम लगते हैं, शायद जो हमारे इंटेंशन रहते हैं, ठीक है पर्सनल इंटेंशन तो रहते ही हैं कि हाँ हमें क्राउन जीतना है, हमें टाइटल लाना है, पर उससे बड़ा जो हमारा इंटेंशन है वो है भारत का नाम रोशन करने का। शायद ये जो इंटेंशन है, ये जो देशभक्ति की भावना है, ये हमारे हमसे सारे चैलेंजेस इजीली पार करवा देती है। तो हाँ, ऐसे हो जाता है। जी हाँ, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज़ 100